तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फैक्ट्स विद अमित पाठक में। आपको बता दें, भले ही यूपी एग्जिट पोल में सारी न्यूज एजेंसियां बीजेपी को वोटिंग में जिता रही हो, यानी एग्जिट पोल में जिता रही हो, लेकिन देश बंधु यूपी एग्जिट पोल 2022 कुछ अलग ही कह रहा है। देश बंधु के एग्जिट पोल में बन रही है एसपी की सरकार, 150 सीटों पर सिमट जाएगा बीजेपी। जी हाँ, क्या पूरा अपडेट है बताएंगे इस वीडियो में, यानी देश बंधु यूपी एग्जिट पोल का क्या है चुनावी नतीजा आपको बताएंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। जी हाँ, आप इसमें देख सकते हैं बीजेपी के पक्ष में है यूपी का रुझान, लेकिन आपको बता दे देश बंधु एग्जिट पोल ने कुछ अपने तरीके से एग्जिट पोल को प्रदर्शित किया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के मतदान की प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। गुरुवार यानी 10 मार्च को चुनावी नतीजे आएंगे, लेकिन सभी न्यूज एजेंसियां अपने अपने एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, जिसमें बीजेपी सबसे आगे दिख रहा है। लेकिन देश बंधु के एग्जिट पोल परिणामों की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी 150 सीटों पर सिमटती दिख रही है, वहीं समाजवादी पार्टी 244 सीटें जीत रही है और सरकार बना रही है। तमाम एग्जिट पोल की तरह ही देश बंधु ने भी बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस और अन्य के प्रदर्शन को इस बार विधानसभा चुनाव में काफी खराब रहने की आशंका जताई है। दरअसल यूपी में चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और तमाम नेता दावा कर रहे हैं कि 5 साल बाद एक बार फिर उनकी सत्ता में वापसी हो रही है। हालांकि एग्जिट पोल के नतीजों ने उनके समर्थकों को निराश किया था, लेकिन देश बंधु एग्जिट पोल के परिणाम एक बार फिर सपा समर्थकों का उत्साह बढ़ाने वाले हो सकते हैं। तो देश बंधु यूपी एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी 150 सीट पर सिमट जाएगी। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। किसकी सरकार बनेगी, 10 मार्च को रिजल्ट आएगा, लेकिन आपको यूपी एग्जिट पोल के बारे में हम डेली अपडेट देते हैं और आज भी अपडेट देंगे। इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।